मेरा नाम मनु है, मैं आज आपको सिखाऊंगा बैक हैंड स्पिन, जो कि बैक हैंड स्पिन कंटिन्यू बताऊंगा, दो बैक हैंड स्पिन को लेकर बताऊंगा, ठीक है, दो बैक हैंड स्पिन कंटिन्यू बताऊंगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है गाइस, आपने डेमो देखा, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने एक बैक हैंड स्पिन का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें 85,000 के सब्सक्राइबर मतलब व्यूअर्स देख चुके हैं उसे, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को सीखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको बहुत आसानी से आ भी जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक बैक हैंड स्पिन आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि बैक हैंड स्पिन आपको नहीं आता, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ फ्लो को कैसे करें, ठीक है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया फ्लो करना, और इसमें भी बताऊँगा फ्लो करना, फ्लो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है गाइस, आपने फ्लो देखा, मैं आपको बताया था उस वाली बैक हैंड स्पिन वीडियो में कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देखिए आप पहला मार रहे हैं पहली बैक हैंड स्पिन, चलिए खींच लेते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू मारी जाती है उसमें खींचा नहीं जाता, उसमें पीछे से हाथ आता है, ठीक है। मैंने उस ट्यूटोरियल में इस चीज़ को भी बताया है और जिक्र किया है कि कैसे पीछे से मारें, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको पहले आगे वाला फ्लो दिखा चुका हूँ, ठीक है, आगे से एक बार करके मैं फ्लो करके दिखा देता हूँ, बैक हैंड स्पिन मार के आगे वाला। ठीक है गाइस, ये आगे से फ्लो था और आगे से बैक हैंड स्पिन किया हुआ था, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको मारने के लिए आपको पीछे वाली फ्लो वाली बैक आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार पीछे वाला फ्लो दिखा देते हैं। ठीक है गाइस, ये पीछे वाला फ्लो है, नहीं आता है तो आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कंटिन्यू आने लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं पीछे से बैक करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, आपने देखा पीछे से मैंने किया, ठीक है, ऐसे धीमे धीमे करें, जल्दी आए ना, आसानी से आएगा, ठीक है। देखिए पहला आप आगे से कर सकते हैं क्योंकि आपको स्पीड लेनी होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप स्पीड लेने के लिए आपको हाथ आगे नहीं करना होगा, आप पीछे से आपको स्पीड लेनी होगी, ठीक है। चलिए एक बार मैं रुक रुक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक बार आगे से लूँगा और दूसरा रुक जाऊँगा आपके लिए, उसके बाद मैं पीछे से लूँगा, देखते हैं दोनों करते हैं, आराम से करेंगे। ठीक है गाइस, देखा कि कितना मैंने आराम से किया रुक के, ठीक है। एक बार मैं आपको मैं पहले धीमे धीमे करके दिखाता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मतलब धीमे करूंगा उसको, आप फिर फेंक दूंगा उसी पे ही, ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। गाइस आप ध्यान दिए होंगे कि हाथ पीछे जाता नहीं है लेकिन कंटिन्यू में, लेकिन क्या है आप यहाँ से करना सीख जाएंगे ना तो आपको पावर लेने की तरीका मालूम चल जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ इस चीज़ को करिए, पीछे वाला फ्लो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताते हैं दोनों बैक को एक में ऐड कैसे करें, एक आगे से आ गया है पीछे हाथ से आ गया है तो, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको ऐड कैसे किया जाएगा। पहली बैक आई, ठीक है, पोजिशन आपका ये रहता है, ठीक है, आगे आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ और आगे, ठीक है, बस, ठीक है। देखिए गाइस आपकी जो पोजीशन होती है वो ज़मीन पे होती है, हाथ रख के और पैर यहाँ होता है, ठीक है, यहीं से दूसरी बैक उठती है, यहीं से हाथ से, यही हाथ ही राउंड करता है तुरंत, ठीक है गाइस, जैसे हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, समझ लीजिए यही है, ठीक है। तो आप यहाँ से रख के अब इसको एक मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं एक मारूंगा हाथ को यहाँ रोकूंगा, रोकने के बाद आराम से करूंगा, ठीक है, इसको आप ऐसा ट्राई मत करिएगा क्योंकि थोड़ा इसमें ताकत नहीं होती, बहुत लोग गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, रुका गाइस, अब देखिए मैं यूज करूंगा, ठीक है गाइस, आप यहाँ से कोशिश मत करिएगा क्योंकि थोड़ा टफ है, ठीक है। तो गाइस देखा कैसे
एक कंटिन्यू बैक को किया जाए, धीमे धीमे करें, अब जल्दी आए मत, ठीक है। चलिए एक बार मैं दो करके दिखा देता हूँ फाइनली। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, आपको शायद समझ में आ गया होगा। जो दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सभी मेरे व्यूअर्स को हैप्पी दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ, और कोशिश करें कि पटाखा कम ही दगाएँ, ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।